आज यहाँ पर मौसम बहुत ज़बरदस्त है। मेरे पीछे अगर आप देखें तो यहाँ पर स्नोफॉल तो अभी तक मौजूद है जगह जगह पर, लेकिन बहुत ही मज़ेदार आज यहाँ पर धूप निकली है, तो मैं थोड़ी सी वॉक के लिए निकला बाहर। तो एक दोस्त की कॉल आई कि जी मैं वापस पाकिस्तान जा रहा हूँ, मेरा यहाँ पर दिल नहीं लग रहा। तो मैं आप सबसे ये दोस्तों से दरख्वास्त करूँगा कि ऐसी गलती ना मत किया करें, या तो आप यहाँ पर आए ही ना, और अगर आते हैं तो फिर आकर थोड़ा सा अपने आप को यहाँ के माहौल के मुताबिक ढालने की कोशिश करें, यहाँ पर अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करें। उसकी वजह ये है कि आप लोग इतनी मेहनत करते हैं, कुछ लोग तो करोड़ों करोड़ों रुपया लगा के बिजनेसेस अपने बेच कर यहाँ आते हैं, अपने मकान जायदादें बेच कर, तो घर वालों के जेवरात तक बेच कर, तो लोग कहते हैं कि यार किसी तरह हम वहाँ पर पहुँच जाएं। अब इशू ये होता है कि जहन में आप लोगों ने तो ये रखा होता है कि हम वहाँ पर जाएंगे तो फूलों का बिस्तर हमारे लिए इंतज़ार कर रहा होगा, बड़ी हेल्प मिलेगी, लेकिन यहाँ पर हालात कुछ और ही मिलते हैं फिर आप लोगों को, तो स्ट्रगल करना पड़ती है शुरू में। हाँ, कोई दोस्त यार बहुत अच्छा मिल जाए जो आपको सपोर्ट करता रहे, इतनी सपोर्ट कर दे कि चलें जी आपको अच्छा वो गाइड कर दे क्या करना है कैसे करना है, रिहाइश में आपकी हेल्प कर दे। जॉब जो सी है वो यहाँ पर लोग बहुत कम करते हैं, कोशिश होती है कि उनके अपने बिजनेसेस करें। एक तो जॉब यहाँ पर उस तरह है भी नहीं, क्योंकि बंदा इतना ज़्यादा भर दिया इन्होंने, और जॉब जितनी है नहीं यहाँ पर। जॉब शादर नादर मिलती है, और वो भी आर्ट जॉब मिलती है। अच्छी जॉब के लिए आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस यहाँ का, यहाँ की पढ़ाई चाहिए होती है, तो आपको ना यहाँ पर सर्वाइव करना पड़ता है। अब वो दोस्त मेरा बेचारा काफ़ी तकरीबन कुछ 35-40 लाख रुपए लगा के आया, यहाँ भी उसने खर्च किए पैसे, और फिर 3 महीने रहा, और 3 महीने के बाद जी मेरा यहाँ पर दिल नहीं लग रहा, मैं वापस जा रहा हूँ। इतनी मेहनत की आपने यहाँ पर आने में, यहाँ पर आप आहिस्ता आहिस्ता आप एडजस्ट भी हो रहे थे, तो आप कहते हैं जी कि मैं वापस जा रहा हूँ। ऐसी गलती मत करें, अगर आप नहीं बर्दाश्त कर सकते यहाँ के माहौल को, अकेलापन नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो अपने मुल्कों से आए ही ना, उसी पैसे से आप वहाँ पर अपना कोई कारोबार करें, यहाँ पर आकर ना अपना टाइम ज़ाया करें, पैसा ना ज़ाया करें, यही दरख्वास्त है।